2, 1, engage! Hello friends, welcome back to my channel Railfan PC IRCTC. This is your Railfan channel. So, आज का टॉपिक यह होगा कि रेलवे में जो बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू होने वाली हैं और टिकट प्रिंटिंग को बंद करने का ऐलान और RPF से टिकट चेक कराने का प्रस्ताव बहुत जल्द कुछ ही महीनों में आने वाला है। आप सब वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो आइए चलते हैं, बिना समय गवाए बात करते हैं हम। रेलवे को मिले प्रस्ताव को लागू किए जाने के बाद जब यह लागू हो जाएगा तो रेलवे यात्री टिकट को प्रिंट करना पूरी तरीके से बंद कर देगा और यह जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर को पूरी तरीके से दे दी जाएगी और TT की जगह RPF स्टाफ और यात्रा के दौरान ट्रेन में जो मौजूद होते हैं टेक्नीशियन टिकट की जांच करेंगे। अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो टिकट प्रिंटिंग बंद होगा और स्टेशन मास्टर के ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जबकि रेलवे जोन के प्रस्ताव पर अगर रेलवे बोर्ड की मुहर लग जाती है इन नियम के ऊपर तो भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। सभी प्रस्ताव के फैसले अलग अलग जोन से इस समय लिए जा रहे हैं और जबकि रेलवे बोर्ड द्वारा अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि हरी झंडी जैसे ही मिल जाती है रेलवे और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि रेलवे बोर्ड परिचालन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अपने रेलवे के जितने कर्मचारी इस वक्त हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले, उन सभी को काम पर सौंपना चाहता है तो उनके लिए प्रशिक्षित और बहुकुशल बनाने के लिए यह योजना लागू इस वक्त कर रहा है। और अधिकारियों ने इस बात को भी कहा है कि अगर एक बार यह प्रक्रिया पूरे भारत में लागू हो जाती है तो रेल नेटवर्क में कई कार्यों को लेकर बेहतर तरीके से और भी बेहतर तरीके से प्रबंध किया जा सकेगा आने वाले भविष्य में। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब यह प्रस्ताव लागू हो जाएगा तो इन सभी लोग को बहुत फ़ायदा होगा, जैसा कि इन व्यक्तियों में से कॉमर्शियल लाइन, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पर्सनल, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोर सिग्नल और सिग्नल कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन जो दूरसंचार विभाग समेत जो कई अन्य पदों पर इस वक्त कार्य कर रहे हैं उन सभी व्यक्तियों को फायदे होने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यह प्रस्ताव लागू होता है तो आप सब भी जो कार्य इस वक्त छोटे मोटे ग्रुप सी और ग्रुप डी में हैं उन सबको ज़्यादा जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। और इसमें एक तरह से देखा जाए तो यह साफ साफ इन प्रस्तावों में से एक के मुताबिक रेलवे को भी एयरलाइंस की तर्ज पर टिकट प्रिंटिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि यात्रियों को अपने मोबाइल पर ही यह टिकट दिखाने के लिए अनुमति दे देनी चाहिए या हवाई अड्डे पर लगे सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन पर प्रिंट टिकट करने की सुविधा दे देनी चाहिए। जो कि प्रस्ताव के मुताबिक रेलवे टेक्निकल स्टाफ को टिकटों की जाँच और कोचेस के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनमें फायदे होंगे तो ग्रुप डी वालों को ज़्यादा होंगे, क्योंकि टिकट चेकिंग, आरक्षण और पूछताछ से जुड़े सभी पदों को कॉमर्शियल डिपार्टमेंट विलय करने जा रहा है और तीन जोन में प्रस्ताव के अनुसार राजमिस्त्री, बढ़ई, फिटरमैन और इलेक्ट्रिशियन के पदों को विलय किया जा सकता है और इस पूरी प्रक्रिया को पास होने में लगभग 1 महीना से 2 महीना का समय लिया गया है। लेकिन रेलवे बोर्ड इन प्रस्ताव को अगर हरी झंडी दे देता है तो भारतीय रेलवे के इतिहास में यह बहुत बड़ा बदलाव का फैसला होगा। एक तरह से आपके टिकट की चेकिंग RPF वालों के हाथों में सौंप दी गई है। अगर आप बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो बहुत अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ये यात्रा आपके लिए मुश्किल हो चुकी है। अब जिम्मेदारियां भारतीय रेलवे अपने सर पे बढ़ा चुका है तो आप सब सावधान हो जाएं और बिना टिकट के यात्रा बिल्कुल भी अब मत कीजिएगा और कोई भी गलत कदम आप यात्रा के दौरान बिल्कुल ना करें, क्योंकि भारतीय रेलवे पहले से और भी काम को लेकर सतर्क हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और भारतीय रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको नई से नई जानकारी हर हफ्ते देता रहूँगा। अगर आपको रेलवे से कोई सुझाव हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर रेल फैन PC सर्च कीजिए और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से
जुड़ सकते हैं। मैं आपसे वहाँ पे बातें भी करूँगा और आपको अगर आपका कोई रेलवे का सुझाव होगा तो आप मेरे को वहाँ पर बता सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना सारा सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के लिए सभी लिंक दे रखी है। आप मेरे से फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और आपका कोई भी सुझाव हो तो मेरे को कमेंट करके बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे बेहतर लाने का प्रयास करूँगा। तो फिर चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहना और मस्त रहना।